देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है उसे देखते हुए युवा और बेरोजगार काफी परेशान। तो वहीं बेरोजगारी के मामले पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, जिस तरह से विपक्ष बेरोजगारी के मामले को घेर रही है उसे आंकड़े जुटाने चाहिए। आपको बता दें, पीयूष गोयल ने कहा कि एक वक्त पहले का था और एक वक्त आज का है। आज युवाओं को टाटा जैसी कंपनियों में काफी संख्या में रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा, आज बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। भले ही मोदी सरकार बेरोजगारी के मामले में लीपापोती का काम कर रही है, लेकिन जनता को साफ पता है कि किस तरह से इन 4 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है, किस तरह से आज युवा परेशान है। वैसे आपको बता दें, बीते कुछ साल पहले पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर एक युवा ऑफिस के बाहर चाय पकौड़ा बेचता है तो वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। यानी कि पीएम मोदी का कहना था कि अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप चाय पकौड़ा बेचते हैं तो आप बेरोजगार नहीं हैं। खैर, देखते हैं युवा और बेरोजगार क्या मोदी सरकार को वोट देते हैं या नहीं। SPN9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।